हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं नाइट प्रेयर, रात की प्रार्थना, ठीक है। अगर आप बीमार हैं, अगर आप दुखों में, अगर आप तकलीफों में, अगर आप समस्याओं में, नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त हैं, ठीक है, तो वो पिता के सामने बताएंगे, रखेंगे, ठीक है। पिता हमारा दयालु है, हमारा पिता महान है, स्वर्ग पृथ्वी का करता है हमारा पिता, ठीक है। हमें पिता के सामने कुछ भी छिपाना नहीं है, पिता के सामने निष्कलंक बने रहना है, धर्मी बने रहना है, ठीक है। पवित्रता का जीवन बिताना है, ठीक है। हमारा पिता, हमारा यीशु मसीह, हमारे पिता ने कहा है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूँ कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। तो हम कुछ वचन से देखते हैं, ठीक है। जैसे प्रकाशित वाक्य 6:15 में लिखा हुआ है, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक स्वतंत्र दास पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों की दरारों में जा छिपे। जो इस पृथ्वी पर बड़े बड़े लोग हैं, धनवान लोग हैं, सामर्थी लोग हैं, वे दूसरी या तीसरी मोहर में मारे जाएंगे, ठीक है मेरे प्रियो। वे लोग अपने आप को बचाने के लिए चट्टानों की दरारों में, गुफाओं में, खोहों में जाकर छिपेंगे, ठीक है। जो लोग नहीं जा पाएंगे यीशु मसीह के साथ, जो लोग यहाँ रह जाएंगे, छूट जाएंगे, वे लोग अपने आप को बचाने के लिए चट्टानों की दरारों में छिपेंगे, घुसेंगे, और क्या बोलेंगे, चट्टानों से, पहाड़ों से, गुफाओं से कहेंगे, हम पर गिरो, हमें ढांप लो, उसके प्रकोप से जो सिंहासन पर बैठा है, अपने प्रकोप से छिपा लो हमें। मेरे प्रियो, इतना भयानक खौफनाक मंजर होगा उस समय, क्योंकि यीशु मसीह किसी को नाश करना नहीं चाहता है, वह हर एक मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह यह नहीं चाहता है कि मेरे हाथ का बनाया हुआ पुत्र, मेरा पुत्रिया, वे नाश हो, नरक जाए मेरे प्रियो। यीशु मसीह यह नहीं चाहता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह हम सभी को आके की पुतली के तरह संभाल के रखता है, प्रेम करता है, ठीक है। इसलिए हम सबको तैयार रहने की आवश्यकताएं हैं। हमारा पिता आने वाला है मेरे प्रियो, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा, तुम ना तो उस दिन को ना उस घड़ी को जानते हो मेरे प्रियो। वह घड़ी कब की है, दोपहर की है, रात की है, या शाम की है, या सुबह की है मेरे प्रियो, हम सभी को नहीं पता है। हम सभी को तैयार रहने की आवश्यकताएं हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे पिता। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप प्रतिनिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता। पिता आपके ना कोई तुल्यवान, मूर्तों को जिलाने ले, अंधों को दृष्टि देने ले, कोढ़िये पाजों को शुद्ध करने ले मेरे पिता। यहोवा जुला मेरे खुदा बंद यीशु मसीह आप है मेरे पिता। पिता हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी पिता, जो आपने हम सबको पिता जीवतों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा, संभाल के रखा, सुरक्षित रखा मेरे पिता। इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे ईश्वर के पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता कितने होंगे, कितने मनुष्य होंगे, संसारिक होंगे पिता, वे मर गए होंगे, अपने परिवार वालों से बिछड़ गए होंगे पिता, और वह कैसी जगह स्थान पर चले गए होंगे पिता। उन्हें कोई आस की किरण नजर नहीं आ रही होगी पिता, उनके लिए कोई आस का किरण का दरवाजा नजर नहीं आ रहा होगा मेरे स्वामी पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी पिता, जो आपने हम सबको जीवितों के बीच में जीवित रखा है मेरे पिता, संभाल के रखा है पिता, सुरक्षित रखा है पिता, संभाल के रखा है मेरे स्वामी। इसके लिए पिता मेरे खुदा वंदेश मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी। होने दे पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। जो पिता बीमार है पिता, जो बीमारी में ग्रस्त है मेरे पिता, जो नहीं ठीक हो रहे मेरे स्वामी, आपके नाम से पिता वे चंगे हो जाए पिता, वे हील हो जाए, वे ठीक हो जाए, वे फ्री हो जाए। आपका छीता वाला हाथ, दया वाला हाथ, दहना हाथ पिता, हर एक जन को छू ले मेरे स्वामी, हर एक जन को छू लीजिए मेरे स्वामी, ब्लेस कर दीजिए पिता, वे आजाद हो जाए आपके नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु यीशु मसीह पिता। अंधों को जिलाने वाले पिता, अंधों को दृष्टि देने वाले, कोढ़िये पाजों को शुद्ध करने वाले, मुर्दों को जिलाने वाले मेरे पिता आप है मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपकी जितना भी तारीफ करें, जितना भी महिमा करें, उतना ही कम है पिता, क्योंकि हम महिमा करने के योग्य हैं, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य हैं मेरे पिता।
पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो गरीब है मेरे पिता, जो गरीबी में जूझ रहे मेरे स्वामी ओ पिता, स्वामी के स्वामी पिता, राजाओं के राजा पिता, उनकी गरीबी को दूर कर दीजिए मेरे स्वामी पिता। ये 100-200 रुपए पर पिता इधर हाथ ना फैलाने पाए मेरे स्वामी पिता। ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे राजा आपके पीछे आए हैं पिता, इनका जीवन संभाल लीजिए मेरे स्वामी पिता। ये टूटने बिखरने ना पाए मेरे राजाओं के राजा पिता। पिता आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तो मैंने खोल दिए जाएंगे मेरे स्वामी। या हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता आपके नाम से मांगते हैं मेरे स्वामी पिता, राजाओं के राजा पिता। पिता इनकी गरीबी को दूर कर दीजिए मेरे स्वामी, इनके घटे समस्याओं को दूर कर दीजिए मेरे स्वामी पिता। इनके घरों के ऊपर ऐसे उंडेल दीजिए मेरे राजाओं के राजा पिता। तंगी गरीबी को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर पिता। इनके लाइफस्टाइल को बदल दीजिए मेरे स्वामी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र आप राजाओं के राजा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक है पिता। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपको दिया गया है मेरे पिता। जो भी पिता हम सभी मसीह भाई बहनों से मेरे पिता गलती गुना होते हैं मेरे राजा, आप माफ करें, आप क्षमा करें पिता, क्योंकि आप ही के पास ये अधिकार है मेरे पिता। आप ही पिता हम सभी के पापों को क्षमा कर सकते हैं पिता, माफ कर सकते हैं मेरे राजा, आप माफ करें मेरे पिता। आपने कहा यदि हम अपने अपराधों को मान लें मेरे पिता और दूसरे के अपराधों को क्षमा करें पिता, तो आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी ठहरेंगे। यस मेरे खुदावन यीशु मसीह पिता आपके नाम से मांगते हैं पिता। जिस प्रकार से मेरे राजा आप पवित्र हैं पिता, उसी प्रकार से पिता हम सबों को भी पवित्र बनाइए पिता, ताकि आपके सामने खड़े होने के योग्य बन सके मेरे राजा, आपके स्वर्ग में जाने के लायक बन सके मेरे पिता। हम पिता उन पांच समझदार कुंवारियों की तरह पिता तैयार रहे पिता, उन मूर्ख कुंवारियों की तरह नहीं मेरे पिता। क्योंकि पिता जब आप आएंगे तो पिता उसी को लेकर जाएंगे पिता जो पवित्र होगा मेरे पिता, जो इस संसार से निष्कलंक होगा पिता, जो धर्मी होगा मेरे पिता, जो तैयार होगा आपके वचन में तैयारी बना के रखा होगा पिता, वही पिता जाएगा स्वर्ग में, उसी को पिता आप लेकर जाएंगे पिता। पिता आपकी इच्छा के अनुसार पिता हम सभी मसीह भवन चलने पाए मेरे पिता, कि क्या आपकी इच्छाएं क्या योजनाएं हैं मेरे पिता। पिता उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिनकी शादियां नहीं होती जिन मसीह भवनों की पिता, पिता वो शादियों को लेकर टूट गए हैं मेरे स्वामी, वे शादियों को लेकर बिखर गए हैं मेरे पिता, वे टेंशन में चले गए हैं मेरे पिता। आपके वचन के अनुसार पिता अच्छा सा शादी का रिश्ता आने पाए मेरे स्वामी, राजाओं के राजा पिता। इधर उधर ताक झाक में ना लगे रहने पाए पिता, शैतान ने नरक में ना ले जाने पाए मेरे स्वामी मेरे राजा पिता। शैतान फाड़ना नोचना चाहता है पिता, वह इसी खोज में रहता है पिता किसको फाड़ खाए मेरे पिता। पिता आपने कहा है तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने सिंह के समान इसी खोज में रहता है किसको फाड़ खाए मेरे स्वामी पिता। शैतान की युक्त योजनाओं को पिता आप कैंसिल कर दीजिए मेरे स्वामी, खंडित कर दीजिए, विफल कर दीजिए यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से पिता। अपनी करुणा के अनुसार पिता अनुग्रह कर, दया कर पिता परमेश्वर, दया कर दे पिता परमेश्वर पिता। पिता हम मनुष्य जाते हैं पिता, पाप में गिर सकते हैं, बिखर सकते हैं पिता, मनुष्य कमजोर है मेरे पिता। आपने कहा है जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा मेरे पिता। यस मेरे पिता परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी, राजाओं के राजा पिता, जो आपने पिता हम सबों को पिता संसार से चुनके अलग कर दिया है मेरे स्वामी, अलग कर दिया पिता, अंधकार से चुनकर ज्योति में कर दिया है मेरे पिता। इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता। पिता आपने कहा है जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे आएगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु पिता। मूर्तों को जिलाने वाले, अंधों को दृष्टि देने वाले, कोढ़िये पायदियों को शुद्ध करने वाले पिता, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य देने वाले, बहरों को सुनने की सामर्थ्य देने वाले पिता, आप यहोवा जुलावर हैं मेरे पिता, आप जलाली परमेश्वर हैं पिता। पिता पवित्र आत्मा जी छू लीजिए भी इसी घड़ी पिता, छू लीजिए पवित्र आत्मा जी पिता। जो रात में नहीं सो पाते, डर लगता, भय लगता है मेरे स्वामी पिता, वो डर भय पिता गंदे से अपने ख्याल पिता जलकर राख हो जाए आपके नाम से पिता। आपने कहा है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी,
वचन कान ले भाई से ना डरना मेरे पिता, आपने कहा है मेरे पिता, ये वचन पिता के जीवन में सौ गुणा फलवंत होने पाए मेरे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु पिता। पिता अच्छे से मीठे से इन्हें नींद दीजिए मेरे पिता, इनके चारपाई के पास आपके दूध का बाड़ा बांध देते हैं यीशु मसीह पिता। मुझे विश्वास से आशा है पिता, अपने प्रार्थना को सुना है पिता और वैसा ही कर दिया है मेरे स्वामी, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी पिता। पिता अपने आप को आपके लहू में कवर करते हैं मेरे स्वामी पिता, छोटी सी विनती आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।